यहाँ देखिए जो है बरसात का पानी भर जाता है, नाला बिल्कुल जाम हो जाता है, और जो है समझ लीजिए कि देखो सीवर बिल्कुल जाम हो जाता है, और जब जो है आए दिन सीवर जाम रहता है, इसकी तो कोई हल नहीं निकलता है। तो हमको ऐसा वो चाहिए कि जो हम लोगों के काल पर, अब औरतें हम लोग हैं, हमारे घर में तो कोई मर्द नहीं है, अब हम लोगों के काल पर जो है कम से कम जो है वो आके अपना काम करें, अपना काम दिखाएं, हमको ऐसा जो है मैं जीत लिया तो मतलब दोबारा देखने भी नहीं आए। जो मेयर थी पहले, क्या कभी आई हैं आप? नहीं, कभी नहीं आई, कभी देखने भी नहीं आई। अब किस तरह का मेयर आप लोगों को चाहिए जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके? ऐसा मेयर चाहिए जो मतलब वो देखे, आके ध्यान दे, हर चीज पर ध्यान देना चाहिए। चुनावी सरगर्मी तेज है और जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो रही है। हम इस वक्त करेली के इलाके में है, गड्ढा कॉलोनी इसको कहते हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, हम इनसे जानेंगे कि ये जो अभी नगर निकाय चुनाव हो रहा है तो कैसे मेयर की उम्मीद आपको है, किस तरह का मेयर आप चुनना चाहती हैं? गुलनाज बेगम। गुलनाज बेगम, गुलनाज जी, नगर निकाय चुनाव हो रहा है और मेयर पद के कई प्रत्याशी हैं, तो आपके जो समस्याएं हैं, क्या किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ देखिए जो बरसात का पानी भर जाता है, नाला बिल्कुल जाम हो जाता है, और जो है समझ लीजिए कि देखो सीवर बिल्कुल जाम हो जाता है, और जब जो है आए दिन सीवर जाम रहता है, इसकी तो कोई हल नहीं निकलता है। तो हमको ऐसा वो चाहिए कि जो हम लोगों के काल पर, अब औरतें हम लोग हैं, हमारे घर में तो कोई मर्द नहीं है, अब हम लोगों के काल पर जो है कम से कम जो है वो आके अपना काम करें, अपना काम दिखाएं, हमको ऐसा जो है मैं चाहिए। अब हम किसका नाम बताएं, जो काम करके दिखाएगा उसका नाम बढ़ेगा आगे। बिल्कुल, जो काम करके दिखाएगा ये पर्दानशील महिलाएं हैं और इनकी जो समस्या है, इनका कहना है कि गड्ढा कॉलोनी इसको कहते हैं, और यहाँ पर हर साल की समस्या है, हर साल की बरसात का भी पानी इतना इतना पूरा आ जाता है पूरे यहाँ सर तक, बाढ़ का तो छोड़ दीजिए, बरसात का भी ये पानी आ जाता है, इतना नाला जो है जाम है, और वो है नाले की सफाई होना चाहिए, नाले की वो होना चाहिए, ये तो जो मेयर बने हुए हैंगे वो हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हाँ हमारी पब्लिक जो है परेशान है, आज नहीं कल जो है पब्लिक रूठ जाएगी तो वो क्या कर सकेंगे ये बताइए। तो मौजूदा मेयर ने कोई काम नहीं किया जो पहले थी यहाँ पर? कौन जो है काम किया, किसी ने नहीं काम किया, नाला आप चल जाके मुआयना कर लीजिए, वैसे ही जाम पड़ा हुआ है नाला, जब नाले की सफाई हो, उसका कीचड़ निकले, उसके कूड़ा निकले, उसका वो हो तो कुछ जो है गड्ढा हो तो फिर जो है जरा समस्या आगे बढ़े। क्या सड़कें भी बन पाई हैं यहाँ पर? नहीं, सड़कें उड़के कुछ नहीं बन पाई। क्या कहेंगी, किस तरह का मेयर चाहिए आप? ऐसा मेयर चाहिए कि जब बारिश हो, जैसे और जैसे रात रात बारिश होती टेंशन बन जाती है कि अब बारिश का पानी, बारिश हो रही है रात नींद से सब आराम रहता है, अब ऐसा पर चाहिए कि कम से कम नाला वो सीवर वर सब तो ध्यान दे सके ना, ये ऐसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं बस जीत लिया तो मतलब दोबारा देखने भी नहीं आए। जो मेयर थी पहले, क्या कभी आई हैं यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं आई, कभी देखने भी नहीं आई। अब किस तरह का मेयर आप लोगों को चाहिए जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके? ऐसा मेयर चाहिए जो मतलब वो देखे, आके ध्यान दे, हर चीज पर ध्यान देना चाहिए। किस पर उम्मीद है ज्यादा? किस पर उम्मीद है? अभी फिलहाल तय नहीं कर पाएंगे किस पर उम्मीद है, क्या कहेंगे? हाँ, जो यहाँ के नजीम नेता जो बने हैं वो, मेरा नाम खुशबू जावेगा। किस तरह का मेयर चाहिए आप लोगों को? जो यहाँ पे जो काम करवाए वैसे ही मेयर चाहिए, अच्छे लोग हों, और क्या ताकि बाद में कुछ जो समस्या है उसको हल करें। सड़कें बन पाई है यहाँ पर, करेली इलाका है कहीं कहीं की थोड़ा बहुत बड़ी है, और जो जो मेन जगह है वो तो कहीं नहीं बनी है, सब लोग आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा ही लोगों को तकलीफ हो जाती है। यहाँ पर इतने गड्ढे हैं, गड्ढा कॉलोनी का नाम भी गड्ढा है, तो क्या जो सड़कें बनी है वहाँ कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं? जाहिर सी बात है, हो ही जाते हैं हादसे, हम लोग तो घर में रहते हैं, बाहर तो रहते नहीं ना कि पता चले क्या है। कभी अभी एक लोग हो गया था, सब करंट लग गया था, एक लोग खत्म हो गए थे, करंट भी लग गया था यहाँ पे लोगों का। बिल्कुल, तमाम समस्याएं हैं गड्ढा कॉलोनी पे, और यहाँ हम आगे चलेंगे, कुछ लोग यहाँ भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस गड्ढा कॉलोनी में क्या समस्याएं हैं। आप यहाँ पर रहते हैं, क्या समस्याएं हैं और किस तरह का मेयर चाहिए आपको? भाई, हमारे पास तो ऐसी कोई समस्या नहीं है फिलहाल, बस रोड हमारे लिए है, पानी हमारे लिए उपलब्ध है, सिर्फ मेन रोड का ही मकसद है। मेयर किस तरह का चाहिए? चुनाव आ गया, मेयर तो हमें वो चाहिए जो हमारे कार्य के लायक हो, जो हमारी विकास कर सके, और उस पे किसी एक व्यक्ति का, मैं नाम तो नहीं व्यक्तिगत ले सकता हूँ क्योंकि भाई कैंडिडेट बहुत से हैं
और मैं तो ये चाहता हूँ कि उनका खास करके ऐसा मेयर मिले जो हमारे विकास के काम आए, हमारी हर अच्छी बुरे भी साथ आ जाए। क्या नाम है आपको? मेरा नाम मोहम्मद अहमद खान। बिल्कुल, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? ये यहाँ पर आप हैं इस कॉलोनी में और इस क्षेत्र में, क्या विकास हो पाया है? विकास की रफ्तार तो बहुत धीमी रही इस एरिया में, और पिछले कुछ सालों में 8-10 सालों में तो कह सकते हैं बहुत कम रहा, ना के बराबर विकास रहा। ना कोई नेता और ना ही कोई मंत्री जो है इस एरिए को झांकने आया, और जो कॉलोनी 10-15 साल पहले जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में आज भी पड़ी हुई है। जो अभी चुनाव होगा, किस तरह से जो मेयर है, किस तरह का मेयर की उम्मीद करते हैं? देखिए, हमारा मेयर का मेन इशू हमारा है ना कि हमारा जो पॉलिटिकल नेता है वो ऐसा हो ना जो हमारी लोकल जो परेशानियां हैं उसको शॉर्ट आउट कर सके। और ये जो कि देखिए आशियाना की जो आबादी है, ये बारिश में बरसात के पानी और बाढ़ के पानी से इस एरिए के लोग बुरी तरीके से परेशान होते हैं और उनका लाखों का माल और सामान का नुकसान होता है। तो हमारी बस यही एक च्वाइस है कि ऐसा एक नेता रहे जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके, वही हमारे लिए मेयर का कैंडिडेट हम उसको चुनना चाहेंगे। तो क्या पिछले जो मेयर रही हैं, तो इस क्षेत्र का जो आपके पूरे इलाहाबाद की बात करें तो इस क्षेत्र का जो विकास हो पाया है? नहीं, पिछले मेयर कैंडिडेट तो इस एरिए को कभी झांकने नहीं आई थी, बल्कि पहले टर्म में एक दो बार आई थी। उसके बाद जो सेकंड टर्म चला ना, उसमें कभी इधर वो जो है ना कोई समस्या का समाधान किया, ना ही कभी देखने आई कि लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं। इंतखाब बिल्कुल, अभी और भी लोग हैं, इनके पास हम चलेंगे। ये मुस्लिम समाज के लोग हैं और ये पूरा इलाका यहाँ पर आबादी से भरा हुआ है, क्या कहेंगे? किस तरह का मेयर आप चाहते हैं आपके इलाके में, क्या समस्याएं हैं? ज्यादा नाम बताइए। नदीम है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इशाक। आपके इलाके में क्या समस्याएं हैं? अरे साहब, यहाँ बारिश होती है तो पानी भरता है, पानी नहीं निकलता, बैठे हुए हम लोग 8-10 घंटा, लाइट नहीं है, बड़ी परेशानी होती है। और वैसे भी नदी में बारे बहुत अच्छा काम। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? फरीदुल। फरीद भाई, क्या समस्याएं हैं? मेयर से कितनी उम्मीद है? खाना है, बारिश का भी पानी आ जाता है, कैसे ये हल होगा जो है, इसका हल निकालिए आप लोग। सड़कें बन पाई हैं? सड़क भी क्या है, आज दिन देखिए पानी भरा रहता है यहाँ, जो है खोद जाती है रोड, तब पानी रोड खराब हो जाती है जो है। समस्या बहुत है। पिछले समय जो थे यहाँ पर, अगस्त आएगा फिर बाढ़ आने का वो हो जाएगा, तो कैसे इसका हल होगा, इसका हल निकालिए। क्या कहेंगे, कितनी समस्या है इलाके में, किस तरह का मेयर चाहिए आपको? हमें ऐसा पार्षद चाहिए। मेयर कैसा चाहिए? हमको ऐसा मेयर चाहिए कि हमारा तकलीफ दूर, जो भी है तकलीफ उसको दूर करे बस। क्या तकलीफ है? हमारे लोग को ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है तो पानी भर जाता है, नाला जो है चौड़ा नहीं हो रहा है, नाला जो पहले चौड़ा था वो पाइप डलवा के पूरा मट्टी बटवा दिया है, नाले में पाइप से पानी ही नहीं निकलता। सड़कों की बात करें तो क्या सड़कें बनी है? सड़कें तो जो है बनी है वो पहले से बनी हुई है, लेकिन बाकी इधर सड़कें जो पूरी है पूरी खंगाल हुई है, चलने के लिए रास्ता ही नहीं है, और नमाज पढ़ने के लिए आदमी जाता है तो कोई रास्ता ही नहीं है, बारिश हो जाती है। तो इस क्षेत्र को क्यों अछूता रखा गया है? आप लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो नहीं पाया, वजह क्या है? वजह क्या है, अभी 5 साल मेयर वो अभिलाषा गुप्ता नंदी थी, वो यहाँ कभी झांकने ही नहीं आई, कि बाढ़ आ जाता है तब भी कोई नहीं आता है, ये हमारे सभासद ये जो अभी नदी। तो आप और भी समस्याएं आपकी है, किस तरह के मेयर से उम्मीद रखते हैं आप? अब यही समझे जो जीत के आए कम से कम हमारे लोग तेरा देखभाल करें, ताकि हम लोग थोड़ा सा खुशहाली मनाए, और क्या, हम बाकी तो हम लोग बहुत मुश्किल में। बारिश अभी एक घंटा हो जाए सारा भर जाएगा, कम से कम 10-10 हजार का नुकसान हो जाता है यहाँ। हाजी गुलाम अहमद। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? अनवर आलम अंसारी। अनवर भाई, मेयर की बात करें, चुनाव आने वाला है तो किस तरह के मेयर की उम्मीद रखते हैं? देखिए, मेयर ऐसा होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सके। हमारे क्षेत्र के सबसे बड़ी समस्या जो है वो गंदा नाला पानी का जो है, यहाँ बहुत ज्यादा विकास है, जरा सा जो है बारिश होती है तो ये जो है एक एक शटर पूरा डूब जाता है और सारे घरों में पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है कि सारे घरों के जितने फर्नीचर वर्नीचर सब बर्बाद हो जाते हैं। तो हमको ऐसा मेयर चाहिए जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान कर सके, हमारे क्षेत्र को जो है ऐसा जो है विकास कर सके, समझा, सड़क वड़क थोड़ा मरम्मत और थोड़ा सा साफ सफाई कर सके, ऐसी मेयर चाहिए, समझा। पिछली बार की जो मेयर रही हैं तो उन्होंने इस क्षेत्र को क्या अनदेखा किया है? अनदेखा क्या साहब, बिल्कुल अनदेखा कर दिया, जब पलट के यहाँ आवे नहीं करेंगे अपने कार्यकाल में तो जो है उसको क्या कहा जाएगा।
यहाँ नहीं आई जब से जो है इलेक्शन हुआ जब से लेके आज तक वो यहाँ दिखी नहीं जाएगा। पूछने नहीं आए कि आप लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है, हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए, समझा। आगे कम से कम क्षेत्र के लोगों से मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, समझा। जब आप संपर्क करेंगे तभी तो जो है पब्लिक आपके साथ रहेगी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हम लोग सामने अब जो तो हो गई खैर उनके मेयर की बात। अब जो है पार्षद जो यहाँ पर जो किन मुद्दों पर चुनाव होगा हम इनसे जानेंगे, मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में? मुद्दे यही होना चाहिए जो है क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का विकास हो और जो है हमारा जो है प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए सक्षम जो अपने क्षेत्र के विकास में जो है सक्षम दिखाई दे। अनवर आलम सर, बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। नसीम भाई, इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे आप? हमारा मुद्दा यही रहेगा मेन, नाले का। पहले नाला बहुत चौड़ा होता था जिससे पानी जो है तो नहीं भरता था। पहली बाढ़ का पानी 3 में आया, फिर उसके बाद 13 में आया। 10 साल तक कोई पानी की या बाढ़ की कोई समस्या थे, लेकिन जब से ये सीवर लाइन पड़ी हुई है, सीवर लाइन के पड़ते ही बारिश का पानी घर में 6-6 फीट 7-7 फीट पानी भर जाता, घर की सारी गृहस्थी बर्बाद हो जाती थी, आदमी तितर बितर हो जाता था, खाने पीने का मोहताज हो जाता था। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मेयर ऐसा हो जो हमारे सारी समस्याओं को सुविधापूर्वक हल कर दे और यहाँ के रहने वालों को किसी तरह की कोई तकलीफ परेशानी ना हो। इस क्षेत्र का विकास क्या हो पाया है? अभी नहीं हो पाया, जैसे था वैसे बहुत हुआ, ये सोलिंग हो गई है बस, और कुछ नहीं हुआ। अछूता क्यों रखा गया इसको? इसलिए कि यहाँ कुछ होता ही नहीं। बड़े बड़े कितने नेता मेयर आए लेकिन आए घूम के चले गए, न कभी किसी का हाल लिया ना हवाल लिया। आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम कलीम है। कलीम भाई, तो यहाँ पर क्या समस्याएं रही? समस्या है पानी भर जाता है घर घर में वो सीवर लाइन से, अब उसमें दिक्कत बहुत होती है। नाला जब से छोटा वो कट गया जब से वो दिक्कत होती है। बिल्कुल, यहाँ पर जो ज्यादातर समस्याएं हैं नाले की है, और नाले से यहाँ पर जो पूरा इलाका है, पूरी गड्ढा कॉलोनी, मतलब एक एक मंजिल यहाँ पर डूब जाता है। लोग यहाँ पर नाव चलाते हैं और नाव से यहाँ पर लोगों को खाना, और लोग मदद करते हैं, खाना यहाँ पर लोगों को इसी नाव से ही बांटा जाता है। तो तमाम समस्याएं यहाँ पर है और उस समस्या से लोग यहाँ जूझ रहे हैं। और इनका आरोप है कि जो भी यहाँ पर आया और वोट मांग कर जीत कर चला गया, लेकिन इस क्षेत्र पर कभी नहीं आया। उस समस्या से लगातार इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं, और इनका कहना है वहाँ हमारा मेयर ऐसा होगा जो इस क्षेत्र का विकास कर सके और जो इनकी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सके। पंकज सिंह, सुप्रिया अगराज, यूपी का।